वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो रसल जर्नी। तो भाइयों फाइनली दो महीने के बाद अब इनका रिटर्न देखने को मिलने वाला है, वो भी इस वीक के स्मैकडाउन में। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है, क्या इस वीक के स्मैकडाउन में हमें न्यू ब्लड लाइन का मेंबर भी हमें ऐड होते हुए देखने को मिल सकता है? तो क्या पूरी अपडेट है उसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना, और पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि दो महीने के बाद इस वीक के स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलने वाला है, तो काफी कुछ बड़ी बड़ी चीजें हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाली है। और साथ ही रूमर्स तो कुछ इस तरह निकल के आ रहे हैं कि जो ये क्राउन ज्वेल होने वाला है, इसमें हमें रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच भी देखने को मिलने वाला है। अगर इनका मैच होगा तो भाई पूरे पूरे चांसेस है कि इस वीक के स्मैकडाउन में हमें जॉन सीना और रोमन रेंस का भी काफी तगड़े वाला बवाल देखने को मिलेगा। और जब ये दोनों फेस टू फेस आएंगे तो और ही तगड़ा माहौल बन जाएगा, क्योंकि एक तरफ है भाई ट्राइबल चीफ और एक तरफ ऑल टाइम फेवरेट। भाई आप समझ ही सकते हो कितना तगड़ा माहौल बन जाएगा। लेकिन बात करते हैं ब्लड लाइन के न्यू मेंबर को लेके क्या अपडेट निकल के आई है। तो जैसे कि कल हमें एनएक्सटी का एपिसोड देखने को मिला था, और एनएक्सटी के एपिसोड में हमें काफी कुछ बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिली। लेकिन बैक स्टेज में हमें पॉल हेवन और एवरेन का हमें प्रोमो सेगमेंट भी देखने को मिला। और जो भाई जितने बंदे नहीं जानते कि एवरेन कौन है तो बता दूं, वो जो हमारे दी रॉक है उनकी डॉटर है। तो भाई उनकी डॉटर के साथ हमें एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है भाई हमारे पॉल हेवन का, जिसमें वो ब्लड लाइन के बारे में बता रहे होते हैं। और साथ ही एक फोटो भी वायरल होकर आई है कि जिसमें जो आप पता है पॉल हेवन का जो फोन है उसके बैक कवर में ब्लड लाइन का बैक कवर है, उसमें लिखा हुआ है ब्लड लाइन। उस चीज पे पॉल हेमन हमें इशारा भी हमें करते हुए नजर आते हैं। और देखने लायक चीज तो ये थी कि भाई जो एवरेन है भाई वो सारी बातें एकदम क्लियरली सुन रही थी, कुछ भी रिएक्शन विएक्शन नहीं किया। जो भी कुछ पॉल हेमन कह रहे थे वो भाई इजिली सुन ले रही थी। और सब लोग तो यही बता रहे हैं, जो भी बात निकल के आ रही है कि जो हमारे पॉल हेमन है ब्लड लाइन के बारे में ही उन्हें बता रहे थे एवरेन को, इसलिए वो एंड में ब्लड लाइन के लोगों की तरफ भाई वो इशारा भी हमें करते हुए नजर आते हैं फोन के बैक कवर साइड। तो ये कुछ तो हमें कल एनएक्सटी के भाई एपिसोड में देखने को मिला था, बैक स्टेज का प्रोमो सेगमेंट था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि जो अब आप जानते हो जो रेसलमेनिया 40 आने वाली है, उसमें हमें रोमन रिंग वर्सेस दी रॉक का मैच तो देखने को मिलने वाला है। और अगर ये मैच होने वाला है और भाई एवरेन का काफी बड़ा हमें यहाँ रोल भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि रॉक की डॉटर अगर ब्लड लाइन में हो जाएगी और भाई ब्लड लाइन वर्सेस रॉक मैच होगा, तो आप समझ सकते हो कितना तगड़ा ही माहौल बनेगा। तो कुछ तगड़ी सी चीजें हमें देखने को मिल सकती है कि जो एवरेन है पहले तो ब्लड लाइन में ऐड हो जाए, लेकिन एंड टाइम पे ब्लड लाइन को धोखा भी हमें देते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कितने भी बंदे ऐड हुए ब्लड लाइन में, वो हर कोई रोमन रेंस को धोखा ही देके जाता है। तो देखते हैं एवरेन का हमें क्या सीन देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही बात करते हैं इस वीक के स्मैकडाउन में रोमन का और क्या तगड़ा सा सीन देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको पता है अभी रिसेंट में हमें फास्ट लेन में मैच देखने को मिला था जॉन सीना और एलन नाइट का भाई ब्लड लाइन के साथ, और जिसमें ब्लड लाइन हमें हारते हुए नजर आई थी। लेकिन वहां पे नोटिस करने वाली ये चीज थी, जो पिन हुआ था वो जिमी उसो के ऊपर पिन हुआ था। और अभी भी जो हमारे रोमन रेंस ने अभी भी ये चीज ऑफिशियली क्लियर नहीं करी है कि जो जिमी उसो है वो ब्लड लाइन के मेंबर हैं या नहीं है। तो इस चीज का भी हमें पता चलता हुआ नजर आएगा इस वीक की स्मैकडाउन में, क्योंकि रोमन रेंस ही ये चीज क्लियर करेंगे क्या जिमी उसो मेंबर है या नहीं है, ये चीज भी देखने लायक रहेगी। और जॉन सीना के साथ फेस ऑफ होता है तो यही है तगड़ी चीजें। और भाई और भी काफी सारे बंदों का नाम निकल के आ रहा है अगर ब्लड लाइन के मेंबर ही की बात करी जाए, जैसे कि जिला फाटू का, तो भाई टॉप नंबर में नाम निकल के आ रहा है कि जो जिला फाटू है वो एड करते हुए नजर आने वाले हैं। और नया जैक्स का भी नाम निकल के आ रहा है क्योंकि वो तो उनकी फैमिली मेंबर है। तो देखते हैं भाई किसका क्या सीन देखने मिलता है, और इस वीक के स्मैकडाउन में क्या हमें और कुछ टीज होते हुए नजर आता है ब्लड लाइन के न्यू मेंबर को लेके, और एवरेन का हमें क्या सीन देखने मिलता है इस स्मैकडाउन में, ये चीज भी देखने लायक रहेगी। और आपके हिसाब से क्या हो सकता है कि एवरेन ज्वाइन ब्लड लाइन करेगी या नहीं करेगी ब्लड लाइन को ज्वाइन, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर जाना। तो यहीं तक थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भी ना जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।